तो कैसे हो गाइस और वेलकम एक और नई वीडियो में हमारी इस माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रिपरेशन करने वाले हैं एंडर ड्रैगन को मारने की, क्योंकि कोई कितना भी कहे देखो इन दी एंड एंडर ड्रैगन बॉस है, तो वो उड़ा उड़ा के हमको मारेगा। तो उसको मारने के लिए मेरे को थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें चाहिए होगा नेदरराइट आर्मर, कुछ पोशंस और पता नहीं जो भी होगा देखेंगे हम। तो आज हम प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड हम जा रहे हैं एंडर ड्रैगन को मारने। बट अभी ये वाली वीडियो देख लो, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बेस पे कुछ चेंजेस किए मैंने, वो तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला जो नीचे वाला लेयर है ये अभी कंप्लीट किया मैंने। तो मैं डायमंड माइन करने गया था तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा आयरन मिला, तो उसका मैंने कर लिया। अब हमारा लास्ट ऑप्शन भी खुल चुका है स्ट्रेंथ का, अब एक और होगा तो रीजनरेशन भी खुल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया। एंड ये देखो, तो तुमने मेरे को बोला कि लावा वाला ये बना लो फार्म जो भी बोलते हैं, तो मैंने ये कर लिया है। तो अब मेरे को लावा की कमी नहीं होगी, यहाँ से बार बार जाना नहीं पड़ेगा मेरे को नेदर में। ये काफ़ी अच्छा कर दिया मैंने। सो ये था, एंड यहाँ पर मैंने अपनी जंगली बिल्ली के लिए घर बना दिया है। घर तो नहीं बोलूँगा भाई, मतलब भाग ना जाए, तो मैंने यहाँ पर बना दिया है। सो गाइस सबसे पहला टास्क अपने को नेदरराइट आर्मर बनाना है पूरा। उसके लिए मेरे को 5 इंगोट चाहिए होंगे, चार से आर्मर बन जाएगा। मेरे को एक इंगोट अपने आयरन स्वॉर्ड के लिए चाहिए, आयरन नहीं डायमंड स्वॉर्ड के लिए चाहिए। सो यहाँ पर 2 नेदरराइट स्क्रैप है, मेरे को 2 और चाहिए होंगे नेदरराइट स्क्रैप अगर मेरे को एक और इंगोट बनाना है। और मेरे पास ये डायमंड है, इससे मेरे को नेदर जो अपग्रेड है नेदर वाले वो उसको डबल करना है। तो इसको मैं अभी के लिए यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी नेदर जाना है। ओके, तो ये यहाँ पर रख देता हूँ मैं। यहाँ पर गोल्ड बार आ गया नेदरराइट इंगोट बनाने के लिए, गोल्डन एप्पल बनाने के लिए। ये अपना स्मिथिंग टेम्पलेट, इसको भी डबल करना है। गाइस क्या ही टनल बना रखी है मैंने, वाह सब TNT का कमाल है भाई। अभी मेरे पास 6 ही TNT है, बट आई होपफुली एंशियंट डिब्रीज मिल जाए मेरे को, 2 एटलीस्ट 2 मिल जाए। और ये लगा दिया आग गाइस, वहाँ पर एक एंशियंट डिब्रीज है, होपफुली वो पेयर में हो भाई, एक और मिल जाए मेरे को, 2 मिल जाए। बट उसके ऊपर मैग्मा ब्लॉक है तो मेरे को लग नहीं रहा है होगा। देख रहे हो भाई नेदर रैक के पीछे छुपा हुआ था, इसको लग रहा है कि मैं देखूंगा नहीं इसे हैं। अरे यार एक ही है, पेयर में क्यों नहीं है, ये लोग हमेशा पेयर में रहते हैं, एक ही है इस बार। ओके गाइज अपने को 2 एंशियंट डिब्रीज मिल गए हैं, तो इसके मैं स्क्रैप बना लूँगा और हमारा आखिरी इंगोट भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को और भी मन है ढूंढने का एंशियंट डिब्रीज, बट मेरे पास मटीरियल नहीं है TNT वगैरह। सो निकलते हैं। सो अब फटाक से हम अपना एंशियंट डिब्रीज को नेदरराइट स्क्रैप बना देते हैं। एंशियंट स्क्रैप नाम रखना चाहिए था भाई, नेदरराइट स्क्रैप क्या होता है, एंशियंट डिब्रीज है तो एंशियंट स्क्रैप होना चाहिए ना फिर। एंशियंट इंगोट, ओके नेवर माइंड छोड़ो। ओके गाइज तो ये आ गया अपने एंशियंट नेदरराइट स्क्रैप। अबे यार क्या फंस जाता हूँ मैं हर बार इस पर। ओके तो 2 यहाँ पर है, एंड गोल्ड इंगोट एप्पल ये भी ले लेते हैं, ये भी सभी ले लेते हैं, आओ। ओके तो ये आ गया हमारा आखिरी इंगोट, एंड अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपग्रेड करना है, अपग्रेड मटेरियल डबल करने है मेरे को चाहिए होगा नेदर रैक। नेदर रैक तो सारे फेंक दिए मैंने अभी डस्टबिन में, बट यहाँ पर मेरे पास दुनिया भर के हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये निकाल लिया, नेदर रैक की क्यों ज़रूरत है मेरे को तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। ओ उसका आउटर लेयर वैसे ही दिखता है ना, तो मे बी इसलिए। सो ये हो गए 4 स्मिथिंग टेम्पलेट, और एक और चाहिए होगा मेरे पास, एक ऊपर होगा एक्स्ट्रा। मैं 3 लेके आया था ना बैस्टियन से, यप। ओके तो ये 5 हो गए हैं, ये इसको मैं डबल करने के लिए बात के लिए छोड़ देता हूँ, एंड अब इसको ओके तो अब बना लेते हैं नेदरराइट आर्मर। एंड मेरे को मेरे को लगा था मेरे को वो भी चाहिए होगा ट्रिम, बट नहीं। ओके तो ये आ गया अपना पहला नेदरराइट चेस्ट प्लेट। ओके पैंट, सो अपनी स्वॉर्ड को भी कर लेते हैं नेदरराइट। एक ही डैमेज बढ़ा है स्वॉर्ड पे, आई थिंक नेदरराइट ड्यूरेबल हो गई है, काफी अच्छी है। और ये हम तैयार हो चुके हैं भाई, एंडर ड्रैगन अपने हाथ जोड़ लेगा कि मत मारो मेरे को, पंख जोड़ लेगा। ओके अब थोड़ा स्टाइलिश बना लेते हैं अपने आप को। ये रे आर्मर ट्रिम, दुनिया भर के आर्मर ट्रिम बने हुए हैं मेरे पास, पड़े हुए हैं।
अब पहन लेते हैं इसको फटाक से। अब तो एंडर ड्रैगन भैया, मैं तो देखते ही मेरे को भाग जाएगा वहां से। वो बोलेगा ले लो भाई तुमको जो चाहिए, ये ड्रैगन एग चाहिए, एक्सपी मैं खुद गिरा देता हूँ। सो गाइज, हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, हमारा नेदर आर्मर बन चुका है। अब हमें चाहिए दो पोशन, एक चाहिए हमें स्ट्रेंथ पोशन, एक चाहिए हमें स्लो फॉलिंग पोशन। बट प्रॉब्लम ये है ना, उन पोशन को बनाने के लिए मेरे को चाहिए नेदर वॉर्ड्स, और जो कि मैं बेस्ट में भूल गया हूँ लास्ट टाइम लाना, वहाँ पर थे। मैं क्यों, मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मेरे को ये भी लेके जाने चाहिए। बट कोई नहीं, मेरे को लोकेशन पता है, मैं फटाक से जाऊँगा, फटाक से नेदर वॉर्ड्स लेके आऊँगा एंड हम कंटिन्यू करेंगे अपने ये प्रिपरेशन को। तो सीधे चलते हैं। ओ यहाँ पर वो है भाई, प्लेजर टावर। एक और रेड करवा लूँ क्या मैं? मेरे को वैसे अपनी बो में वो भी लगाना था यार, फ्लेम लगाना था। मेरे पास ट्रेडिंग आ रखी है ऑप्शन। ये फ्लैग वाले प्लेजर कितने चालाक हैं भाई, एकदम टॉप में रहते हैं। लग रही है भाई उसको वो मिली है, नाइस अपने आप को चालाक समझ रहा है कि मैं, मेरे को आना पड़ेगा ऊपर है और तेरे बंदे मेरे को मार देंगे। इतना तेज़ नहीं है तू भाई, अभी तू बच्चा है, ठीक है नूब। ओके तो इसको, ओए तेरी, उनके साथ मिला हुआ है, उनके साथ मिला हुआ है प्लेजर के साथ, जा। ओए अरे भाई तेरी, तेरा ट्राइडेंट वाला नहीं मार पाया, तू मारेगा मेरे को, माफ़ किया तेरे को, जा छोड़ रहा हूँ मैं तेरे को, लकी है तू। ओके गाइज, तो हम आ चुके हैं अपने नेदर पोर्टल पे, अब फटाक से नेदर वॉर्ड्स लेके आते हैं, चलते हैं अंदर। भाई अंदर जाने में भी कितना टाइम लगाता है। सो ये रे नेदर वॉट, ये पहले लेके चले जाता ना मैं, इतनी दिक्कत नहीं होती मेरे को, इतना दूर आना पड़ा मेरे को दोबारा। बट कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरे को प्लेजर टावर मिल गया, वो भी ठीक है। ओके तो मैं ये भी लेके जा रहा हूँ, सोल सैंड। मैं अपने घर पे खेती करूँगा इसकी, मेरे को बार बार नहीं आना पड़ेगा, कर सकता हूँ ना मैं वैसे। सो गाइज, नेदर वॉर्ड्स ले लिए हैं, अब सीधे घर चलते हैं और प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं अपनी। ओह गाइज, ये वो है, ये आर्कियोलॉजी वाली साइट है ना, जहाँ सस्पिशियस सैंड तो नहीं बोलूँगा, ग्रेवल रहता है यहाँ पर। थोड़ा सा नीचे खोदना पड़ेगा और यहाँ पर ग्रेवल आनी शुरू हो गई है, यहाँ पर सस्पिशियस ग्रेवल मिल सकती है मेरे को। ये देखो, ये रहा ना ब्रिक आ गया है, तो जब अपडेट आया था तब मेरे को पता चला था उसमें। सो यहाँ पर मेरे को आर्मर ट्रिम मिल सकता है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर वो मिलेगा मेरे को, एग स्निफर एग, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं, क्या ही जा रहे हैं ना। एक दो शवल लेके आने पड़ेंगे मेरे को, यहाँ पर ग्रेवल हटाने में दिक्कत हो रही है। ओ ये देखो गाइज, ये ब्राउन पांडा, पांडा ब्राउन, अबे तेरा कलर क्यों उतर रखा है, खाना वाना नहीं खाता क्या, ये ब्राउन क्यों है व्हाट क्यूट, वेरी क्यूट। सस्पिशियस सैंड एमरल्ड आ रहा है भाई, लेट्स गो। ये क्या है, अबे ग्लास पेन है भाई, हट। ओके हो, और ट्रिम आ गया, लेट्स गो, ट्रिम आ गया भाई, ट्रिम आ गया। हाँ आई थिंक अब नहीं है, मैंने पूरा खोद डाला है, आधे से ज़्यादा सस्पिशियस ग्रेवल मैंने तोड़ दिए हैं, पता ही नहीं चला मेरे को, बट ठीक है ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आर्मर ट्रिम तो मिल ही चुका है मेरे को, स्निफर एग तो आई डोंट थिंक यहाँ मिलेगा मेरे को, बट मे बी हो सकता है मिलता होगा, आई डोंट नो। मैंने बहुत सारे सस्पिशियस ग्रेवल तोड़ दिए हैं जल्दबाजी में, भाई बहुत लेट हो गया, मैं भटक जाता हूँ अपने टास्क से, मेरे को घर जाना है जल्दी यार, प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, लेट्स गो। ओ गाइज, एक और नया अपडेट, नया अपडेट की एक और चीज़ देख ली हमने, मेंढक। मेंढक अभी आए थे ना या पहले आ चुके हैं, आई डोंट नो, बट मेंढक पहली बार देख रहा हूँ मैं। ओ भाई रुतबा है भाई का, भाई देख रहे हो कैसा चल रहा है। अरे कहाँ कहाँ मेरे ऊपर क्यों कूद रहे हो सर, ये खाते हो क्या तुम, ये खाओगे है भाग रहा है सर, खा लो टेस्टी होता है, खा लो ये लो कितना घटिया इंसान हूँ मैं। ओ कोई नहीं है भाई मैं डर गया था। ओके ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2, इसके लिए मैं इतना नीचे आया हूँ, आर यू किडिंग मी, ठीक है कोई नहीं। ओ माय गॉड, नेम टैग है, चलो ठीक है, बट एक डायमंड दे देते ना मेरे को, डायमंड दे देते इतना मैंने, ठीक है कोई नहीं। अब नहीं है मेरे ख्याल से, अब चलते हैं ऊपर,
मैं भटक, ओ माय गॉड, मैं मर, मेरे को पता भी नहीं है मैं कहाँ पर हूँ भाई। ओह बचा लिया भाई, फेदर फॉलिंग लगा है मेरे जूतों पे शायद, हाँ फेदर फॉलिंग 4 है। ओ बचा लिया मैं भाई, मैं लुट जाता अगर मैं यहाँ मर जाता तो। बच गए, ओके। मेरे को वहाँ पर टेम्पल सा कुछ दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये बिल्डिंग सी बनी हुई है यहाँ पर। ओके चेकआउट करते हैं। ओके हेलो, कोई क्रीपर जो धप्पा देना चाहता हूँ मेरे को, एनीवन? एक्सक्यूज मी, आपके घर में आ रहा हूँ मैं तो। मेरे को लग रहे हैं ट्रैप होंगे भाई, ये ठीक जगह नहीं लग रही मेरे को। ओ ये क्या चीज़ है, हेलो। ओ भाई ओके, इसको तोड़ो। तेज़ बनोगे और यहाँ पर भी है, यहाँ भी ट्रैप है। ओ ट्रिम है इसमें, लेट्स गो, वाइल्ड आर्मर ट्रिम, नाइस। ट्रिम तो मिले जा रहे हैं भाई, मेरे पास बहुत सारे ट्रिम हो गए हैं अब। देख रहे हो भाई कैसे छुपा रखा है, ये देखो यहाँ पर तो नहीं है, ओ कॉन्ट्रैप्शन तो यहीं पर है। ओ चेस्ट, देखो मेरे को लग रहा था कहीं तो गेट खुल रहा है, बट कुछ काम का तो है नहीं, क्यों ही छुपा रहे थे इस चेस्ट को। तेरी भैंस के डराते हो। ओके गाइज निकलते हैं घर की तरफ, मेरे को तैयारी करनी है यार, मैं नई नई चीज़ें मिलती जा रही है तो भटक जा रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, मेरा वो कहाँ गया, मेरे को जो विलेज रेड का वो मिला था आइकन। हेलो, ये टाइम गेटेड होता है क्या, टाइम के बाद अपने आप हट जाता है। ओके गाइज तो फाइनली घर पहुँच चुके हैं बिना भटके, काफ़ी चीज़ें दिखी थी मेरे को बीच में, मन कर रहा था जाके यू नो एक्सप्लोर करूँ बट नहीं, अब फटाक से सो जाते हैं, कल प्रिपरेशन करनी है मेरे को। सो गाइज अब दो चीज़ें रहती हैं, एक तो मेरे को पोशन बनाना है और एक अपनी बो पे फ्लेम लगाना है। तो फ्लेम मेरे को ट्रेडिंग से मिल जाएगा, मेरे को आ रखी है ट्रेड वो उस विलेजर से, एंड पोशन है आई थिंक मेरे पास मटेरियल हैं सारे पोशंस के लिए, मेम्ब्रेन वगैरह। सो सबसे पहले तो मेरे को वाटर चाहिए, तो ये फ्लास्क में भर लेते हैं, 6 से मेरा काम हो जाएगा बट 3 एक्स्ट्रा रख देते हैं क्योंकि बोतल पड़ी हुई थी मेरे पास। तो अब इसको हम डालते हैं यहाँ पर 3 बोतल, एंड अब मेरे को चाहिए नेदर वॉट्स, तो यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने नेदर वॉट्स, 4 में हो जाएगा मेरा काम, 4 इनफ है। ओके सो यहाँ पर एक नेदर वॉट डालेंगे और ये बनेगा ऑकवर्ड पोशन जिससे हम आगे का पोशन बनाएंगे। ओके तो ये बन गया ऑकवर्ड पोशन, अब चाहिए मेरे को फैंटम मेम्ब्रेन, यहाँ पर रखी है मैंने। अब इस फैंटम मेम्ब्रेन को अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो ये बनेगा स्लो फॉलिंग पोशन, अब हमें वेट करना है, मौसम बढ़िया हो रहा है भाई, ये वाला मौसम बहुत पसंद है मेरे को माइनक्राफ्ट में, काफ़ी अच्छा लगता है। के तो ये बन गया हमारा स्लो फॉलिंग का पोशन, 1.3 मिनट का है ये। अब मेरे को चाहिए रेडस्टोन चाहिए मेरे को, सो ये रेडस्टोन यहाँ रख लेते हैं। अब मैं इस रेडस्टोन को यहाँ पर डालूँगा तो इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा 1.3 मिनट से आई थिंक 4 मिनट, और ये बन गया 4 मिनट का, आई थिंक 4 मिनट इनफ है, एंडर ड्रैगन अगर हमको हवा में उड़ाएगा भी तो। इसको यहाँ डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डाल देते हैं। तीसरा, अब बारी है हमारी पोशन ऑफ स्ट्रेंथ की, तो इसको पहले यहाँ रखना है, और अब हमें चाहिए ब्लेज पाउडर, ब्लेज एक ही चाहिए मेरे को, तो ये आ गया, एंड इसको ब्लेज पाउडर बना देते हैं पहले, तो ये ब्लेज पाउडर हो गया है, एंड अब इस ब्लेज पाउडर को यहाँ पर रखना है बस। ओह नेवर माइंड, पहले नेदर वॉट रखना है यहाँ पर। मैं भूल गया था, यहाँ पर ऑकवर्ड पोशन बनाना है पहले हमें, ठीक है। इसको टाइम लगेगा, बारिश हो रही है भाई, मस्त सो जाते हैं, बारिश रुक जाएगी बट कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। सो ये ऑकवर्ड पोशन बन चुका है, अब हमें डालना है ब्लेजिंग पाउडर, अब ये ऑकवर्ड पोशन पोशन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाएगा। धूप निकल गई भाई, मस्त। ओ
ये फंसा रहता है यार, 3-4 दिन से फंसा हुआ है, क्यूट। और ये बन गया पोशन ऑफ स्ट्रेंथ 3 मिनट का। और अब हमें डालना है यहाँ पर रेडस्टोन, और ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 3 मिनट से 8 मिनट हो जाएगा आई थिंक। वैसे एक ही डैमेज बढ़ा रहा है ये, मेरे को तो लगा था 2-3 बढ़ जाएगा, बट ठीक है। इसको निकाल लेते हैं एंड यहाँ पर रख देते हैं। सो पोशंस हो गया है अपना कंप्लीट। सो गाइज अब मैं जा रहा हूँ फ्लेम की एन्चेंटमेंट लेने ट्रेडर से। आई थिंक एक ट्रेडर दे रहा था मेरे को, उसके पास इन्फिनिटी था, जिसके पास, मेरे को ये नहीं पता कितने का दे रहा था वो। हाँ। यही है ना फ्लेम, यस। ये 10 एमरल्ड का यहाँ पर दे रहा है और 5 एमरल्ड का यहाँ पर दे रहा है, तो मैं 10 वाला क्यों लूँगा भाई, कैसा बिजनेस कर रहा है ये बंदा, खुद को नुकसान में डाल रहा है। तो 5 हो गया है एंड मेरे पास बुक नहीं है। बुक कैसे बनती है भाई, लेदर चाहिए होता है, प्लैंक चाहिए होते हैं, प्लैंक स्लैब, आई मीन प्लैंक भी ले लेते हैं जो भी चाहिए होगा। एंड दोनों ही नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए मेरे को बुक के लिए, पेपर चाहिए यार, पेपर ही नहीं उठाया मैंने बस। ओके पेपर ले लेते हैं, इसको यहाँ लगाओ, इसको भी हटाओ यहाँ से, एंड 8 बुक। ओके दे दे भाई फ्लेम दे दे, ये रही फ्लेम। सो ले लेते हैं फ्लेम, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो एंड निकलते हैं। और ये अपनी बो आ गई यहाँ पर एंड फ्लेम इंचेंटमेंट 3 एक्सपीरियंस फ्लेम लगा दी, कितनी खतरनाक हो गई है भाई बो। ओके गाइज इसी के साथ हमारी एंडर ड्रैगन की प्रिपरेशन पूरी होती है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जा रहे हैं एंडर ड्रैगन को मारने, उसका गला काटने, सारी एक्सपीरियंस बटोरने और एंड सिटी का रास्ता खोलने, ठीक है। तो एंड सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से हमें इलाइट्रा मिलेगा और वही हमारा पर्पस है, मेन गोल है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्या कर रहे हो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।